हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल फाइट फॉर हेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जौहर खुशिया के फ़ायदे के बारे में। दोस्तों, जौहर खुशिया नामर्दी को जड़ से ख़त्म करती है, वीर्य को गाढ़ा करती है। जिन हजरात के शुक्राणु नहीं बनते, वीर्य में शुक्राणु की उत्पत्ति को बढ़ाती है। जिन लोगों के लिंग में कड़कपन नहीं आता, नामर्दी के शिकार हो गए हैं। दोस्तों, नामर्दी को ठीक करती है, लिंग में खून के दौरान को सही करके लिंग को मजबूत बनाती है। दोस्तों, जिन लोगों के बच्चे नहीं होते, जौहर खुशिया वीर्य में शुक्राणु की उत्पत्ति को बढ़ाकर बच्चे पैदा करने में मदद करती है। आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है। जिन लोगों की टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है, दोस्तों टाइमिंग को बढ़ाती है। दोस्तों, जिन लोगों का वीर्य पानी के जैसा पतला है, दोस्तों वीर्य को गाढ़ा करती है। जिन लोगों का वीर्य कम बनता है, वीर्य को बनाती है और वीर्य को गाढ़ा करती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है। आम जिस्मानी कमज़ोरी को ठीक करके दिल और दिमाग को ताकत देती है। सेक्स करने की इच्छा को बढ़ाती है। दोस्तों, जिन लोगों के लिंग में स्टैंडिंग नहीं आती, लिंग में स्टैंडिंग पैदा करती है और मर्द होने का एहसास दिलाती है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, वो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जौहर खुशिया रेक्स कंपनी का क्लासिकल प्रोडक्ट है। इसको दूसरी यूनानी कंपनियाँ भी बनाती हैं। दोस्तों, इसकी 10 ग्राम की कीमत 180 रुपये है। दोस्तों, बात करें अगर जौहर खुशिया की कंपोजिशन की, दोस्तों जौहर खुशिया बकरे के अंडकोश के सस से तैयार की जाती है। दोस्तों, जौहर खुशिया नॉनवेज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। दोस्तों, जौहर खुशिया वीर्य को गाढ़ा करती है, वीर्य के पतलेपन से होने वाली हर तरह की परेशानी को दूर करती है, पेशाब में धज जाने से रोकती है। जिन हजरात का बार बार नाइट फेल होता है, दोस्तों नाइट फेल की समस्या को जड़ से ख़त्म करती है। जिन हजरात का लिंग ढीला रहता है, दोस्तों लिंग में कड़कपन लाती है, शीघ्र पतन की समस्या को जड़ से ख़त्म करती है। जो लोग बीवी के पास जाते ही पानी छोड़ देते हैं, दोस्तों लंबे समय तक टाइमिंग को पैदा करती है। जिन हजरात का सेक्स करते में ही लिंग ढीला पड़ जाता है, दोस्तों लिंग में कड़कपन लाती है और मर्द होने का एहसास दिलाती है। जौहर खुशिया स्पर्म काउंट को बढ़ाती है, सीमेन की मोटिलिटी व मोबिलिटी को बढ़ाकर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, जिससे जो लोग बांझपन जैसी समस्या से परेशान हैं, दोस्तों बांझपन की समस्या को दूर करती है और संतान होने का सुख प्राप्त करने में मदद करती है। पावर स्टैमिने को बढ़ाती है, नपुंसकता जैसी समस्या को दूर करती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जौहर खुशिया को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जौहर खुशिया और लबूब कबीर दोनों को आपस में मिला लें। दोस्तों, लबूब कबीर की जगह पर आप माजून सालब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें ले लें और दोनों को आपस में मिला लें। फिर दोस्तों, रात को सोते टाइम जब आपका खाना हजम हो जाए, एक गोली की बराबर यानी 5 से 10 ग्राम रात को सोते टाइम हल्के गर्म दूध के साथ इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, 40 दिन तक इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह मर्दाना ताकत इतनी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा मर्दाना ताकत बढ़ जाएगी, वीर्य का पतलेपन भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, पेशाब में धज जाने की समस्या दूर होगी, नाइट फेल की समस्या दूर होगी। जिन हजरात के वीर्य में शुक्राणु कम बनते हैं, दोस्तों शुक्राणु भी ताबड़तोड़ बनेंगे, लिंग में कड़कपन भी आने लगेगा इंशाल्लाह। दोस्तों, यह दोनों दवाई बेजोड़ हैं, इनका कोई जोड़ नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों, आजमाई हुई दवाई है। दोस्तों, इस दवाई को ज़रूर इस्तेमाल करें, हर तरह की परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। दोस्तों, जो औरत मर्द तरह तरह की दवाइयाँ खाकर थक चुके हैं, आराम नहीं मिलता, वो मेरे दोस्त स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही पूछ सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, परहेज़ का खास ख्याल रखें, तली भुनी तेज़ मसालेदार और खट्टी चीज़ों को परहेज़ करें, क्योंकि दोस्तों खट्टी चीज़ों से मर्दाना ताकत कम हो जाती है, सेक्स पावर की कमी होने लगती है, सेक्स करने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, नामर्दी जैसी समस्या हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों खटाई का इस्तेमाल ना करें, तली भुनी चीज़ें बिल्कुल ना खाएँ, रात का खाना जल्दी खाएँ, खाना खाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल ना पिएं, पेट में कब्ज़ ना होने दें।